नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईटी गुरुजी में। दोस्तों, एमआई कम्युनिटी में मैंने एक पोस्ट डाला था कि आप में से कितने लोग अपने फोन को जो है डाउनग्रेड करना चाहते हैं, रेडमी नोट 7 प्रो को प्रीवियस वर्जन में लाना चाहते हैं, डाउनग्रेड करना चाहते हैं। तो काफी सारे लोगों के मैसेज और रिप्लाई आए मुझे कि यार इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाओ। तो आज मैं वो वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आप सबको भी ये पता होगा कि एमआई जो रेडमी नोट 7 प्रो है, इसे डाउनग्रेड करने के लिए फास्ट बूट मोड का यूज किया जाता है। मतलब आपको ये जो है काम लैपटॉप या कंप्यूटर से ही करना पड़ेगा। लेकिन आज का ये जो वीडियो है, इसमें मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप बिना लैपटॉप या कंप्यूटर की मदद से आप अपने फोन को डाउनग्रेड या अपग्रेड कर सकते हैं रोम फाइल को डाउनलोड करके। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी है मेरे पास Redmi Note 7 Pro और इसमें जो MIUI का वर्जन चल रहा है वो है 10.3.12.0। तो ये लेटेस्ट वर्जन फिलहाल चल रहा है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, अभी दो दिन पहले एक और रोम जो है आ चुका है 10.3.13.0। तो दोस्तों, वो जो रोम है मैंने डाउनलोड कर लिया है और आज के इस वीडियो में मैं आपको उस रोम फाइल के जरिए यानी जिप फाइल के जरिए मैं आपको अपग्रेड करके दिखाऊंगा फोन को। तो दोस्तों, इसके लिए आपको जाना है सिस्टम अपडेट पे। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, बेसिकली आपका जो ये जो फोन है उसमें ये वाले फीचर आपको नहीं दिखाई देंगे। ये जो थ्री डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद ये देखिए चूज अपडेट पैकेज का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन जब आप अपने फोन पे ये ऑप्शन ढूंढेंगे तो आपको वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन जो फीचर्स को है इनेबल करना पड़ेगा आपको। तो वो कैसे इनेबल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आपको यहाँ पर आना है और ये जो आप लोगो देख रहे हैं MIUI 10 का, यहाँ पर आपको 4 से 5 बार लगातार आपने यूं टैप करना है। मैंने ऑलरेडी इनेबल कर रखा है इसलिए यहाँ पर टैप का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन आपको क्या है इस पे 4-5 बार लगातार टैप करना है। तो यहाँ पर नीचे लिखा आएगा कि एडिशनल फीचर्स आर नाउ इनेबल, मतलब एडिशनल फीचर जो है इनेबल हो गए हैं। उसके बाद जो आप इन थ्री डॉट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है आपको ये जो चूज अपडेट पैकेज का ऑप्शन शो करने लग जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, चूज अपडेट पैकेज पे जाना है और आपने ये जो फाइल है वो डाउनलोड कर लेनी है जिस जो वर्जन में आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ। या आप डाउनग्रेड करना चाहते हैं तो आप वो रोम को डाउनलोड कर लें, जैसे मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ तो मैंने लेटेस्ट वर्जन का जो जिप फाइल है वो मैंने डाउनलोड किया है, रोम को डाउनलोड किया है। तो आप देख सकते हैं वर्जन 10.3.13.0 ये जो रोम है मैंने डाउनलोड कर रखा है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से ओके कर दूंगा। तो दोस्तों, आपको अपना जो फोन है वो इंटरनेट से कनेक्ट रखना है, क्योंकि ये जो फाइल है वो वेरीफाई भी होता है और उसके बाद ही ये जो अपडेट जो है इंस्टॉल होता है। कांट वेरीफाई अपडेट बिकॉज हमारा जो इंटरनेट है वो काम नहीं कर रहा है अभी। तो मैं अभी थोड़ा वाईफाई ओपन करता हूँ और उसके बाद ट्राई करता हूँ। तो अभी मैंने वापस से वाईफाई को ऑन कर लिया है और अब मैं ट्राई करता हूँ वापस से एक बार फिर से। आपको चूज अपडेट पैकेज पे जाना है और यहाँ से वो जो फाइल है आपने डाउनलोड की है जिस भी लोकेशन पे वो पड़ी है उसे सिलेक्ट कर लें और यहाँ से ओके कर दें। तो यहाँ पर ये जो फाइल है वेरीफाई हो चुकी है और यहाँ पर हमें शो कर रहा है कि योर डिवाइस विल बी ऑटोमेटिकली अपडेट टू MIUI वर्जन 10.3.13.0 फ्रॉम OTA। तो आप क्या करेंगे, रिबूट एंड अपडेट पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, ये जो फाइल है अब डिक्रिप्ट होगी और फोन जो है हमारा अपडेट होने लग जाएगा। दोस्तों, फोन को आपने 50% से ऊपर चार्ज रखना है। यदि 50% से ऊपर नहीं है, 15% से भी ऊपर है, तो अगर 15% है तो आपको कम से कम चार्जर से कनेक्ट करना है, और अगर चार्जर से कनेक्ट नहीं है तो कम से कम 50% फोन चार्ज होना चाहिए, अदरवाइज ये जो अपडेट में है प्रॉब्लम करेगा।
दोस्तों फोन हमारा ऑन हो चुका है और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ फोन अपडेट हो चुका है पूरी तरह से। आपको जाना अबाउट फोन में और यहाँ पर अब आप देखेंगे तो आपको जो है वर्जन जो है क्लियरली यहाँ पर दिखाई देगा 10.3.13.0 और जो इसमें सिक्योरिटी पैच है वो आपको 1 अगस्त 2019 का मिलेगा। तो फोन दोस्तों हमारा अपडेट हो चुका है। आपको फोन अगर अपडेट करना है तो भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं और अगर आपको फोन अपना डाउनग्रेड करना है मतलब प्रीवियस वर्जन में जाना है तो भी आप इसी तरीके से फोन को जो है डाउनग्रेड कर सकते हैं, किसी भी वर्जन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों मेन इसमें दिक्कत थी वो ये थी कि इसमें जो है ये वाला जो ऑप्शन है चूज अपडेट पैकेज है ये यहाँ पर बंद कर दिया गया था, Xiaomi की तरफ से ये अवेलेबल नहीं था। तो हमें फ़ोन जो है डाउनग्रेड करने के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर की जो है हेल्प लेनी पड़ती थी, उसी से ही फ़ोन डाउनग्रेड हो सकता था। और उससे पहले दिक्कत ये थी कि इसका जो बूट लोडर है वो अनलॉक्ड नहीं था तो उसके लिए भी हमें काफ़ी सारा जो है वेट करना पड़ता था Xiaomi के लिए क्योंकि हमें रिक्वेस्ट डालनी पड़ती थी और उसके 400 या 500 घंटों के बाद जो है Xiaomi उसका जो बूट लोडर अनलॉक करके हमें देता था और उसके बाद जो है हम अपना फ़ोन जो है डाउनग्रेड कर पाते थे। लेकिन अभी बिल्कुल ईजी है, आपको आपके अगर फ़ोन में ये वाले ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, चूज़ अपडेट पैकेज वाला अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना और 5 से 7 बार यहाँ पर टैप करना है तो यहाँ पर आ जाएगा जो है एडिशनल फीचर्स आर इनेबल्ड। उसके बाद जो है यहाँ से इस ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो यार आप सबके लिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोज़ आप तक लगातार पहुँचते रहें तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।